चलिए रुक करेंगे किसानों से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर का, जहां पर 26 जनवरी को होने वाली रैली को लेकर किसानों को ट्रैक्टर रैली की अनुमति मिल गई है। किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर और दिल्ली पुलिस के बीच में यह समझौता हो गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर निकालने की परमिशन दे दी है, लेकिन ये रैली 5 जगहों से दिल्ली की तरफ कूच करेगी और फिर वापस उन्हीं पॉइंट्स पर लौट जाएगी। किसानों को आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर निकालने की अनुमति दी गई है। ट्रैक्टर रैली सिर्फ आउटर रिंग रोड पर निकलेगी, जिसमें सिंघू, टिकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर और पलवल से यह रैली दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के रूट को लेकर किसानों ने कुछ लिखित में नहीं दिया है। तो देखिए, ट्रैक्टर रैली पर आखिरकार जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो अब क्लियर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में लगातार मीटिंग्स हुई और यह फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़े हुए हैं। मनीष, आखिरकार ट्रैक्टर रैली पर बात तो बन गई है, जरा पूरी जानकारी दीजिए कि 26 जनवरी को किसानों की तरफ से ये ट्रैक्टर रैली किन रूट से निकाली जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनिवार को चौथे राउंड की बैठक की किसान नेताओं के साथ, जिसमें दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, ये सभी की टीमें शामिल थी। और इस जो चौथे राउंड की बैठक हुई, इसमें ये सहमति हुई कि ट्रैक्टर जो मार्च परेड जो निकालना चाहते हैं किसान, उनको इजाजत दे दी गई पुलिस द्वारा। तो आपको बता दें, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर, पलवल और NH जो 8 है, शाहजहांपुर, जहां पे लगातार किसान वहां बने हुए हैं, इन 5 जगहों से दिल्ली है वो इतनी जी आते हैं कि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस वजह से मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, ट्रैक्टर रैली को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई है, उसके बाद ये सहमति मिल गई है, शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों की तरफ से ये कहना है, दिल्ली पुलिस भी चाक चौबंद इंतजाम करेगी सुरक्षा के, क्योंकि कई राज्यों से किसानों के दिल्ली पहुंचने की बात भी निकलकर सामने आ रही है।